हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमारे पास एक कूलर की मोटर आई है रिपेयर होने के लिए, तो देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो अभी हम करंट से चेक करते हैं कि ये चल रही है या नहीं चल रही है। तो हमारे पास ये वायर जो है करंट वाला, तो अभी इसमें से मोटर चेक करते हैं। तो हमारे पास ये जो चार वायर दिख रहे हैं, तो ये नीला वायर जो है तो ये कॉमन वायर है, और ये सफ़ेद वाला जो वायर है तो ये लो स्पीड है, और ये दोनों हाई और मीडियम स्पीड है। तो चलिए इसमें हम करंट देखकर चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये करंट जा रहा है लेकिन ये घूम नहीं रहा है। तो चलिए इसको हम खोल के देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो हम फटाफट से इसको खोल लेते हैं। तो ये हमारा एक स्टड खुल गया, अभी तीन स्टड और लगे हैं इसमें। तो फटाफट से इनको हम खोल लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा स्टड खुल गया। अभी हम मोटर को ओपन कर लेते हैं इसको। तो इसको हम रूटर आज निकाल लेंगे इसमें से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें शाफ्ट ये जो है तो ये बहुत खराब हो चुका है। ये आयल जो है जल चुकी है इसमें से। तो अभी हम देखते हैं इसका बुश क्या हालत है उसका। तो ये हमारा सामने वाला बुश है, तो ये तो सही दिख रहा है, ये सही चल रहा है। अब पीछे वाला बुश देख लेते हैं इसमें क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इसमें हाथ है, ये बुश खराब हो चुका। तो इसमें से बुश हम चेंज करके दिखाएंगे अभी आपको। तो फटाफट से बुश हम चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा ये जो शाफ्ट है तो ये शाफ्ट भी बहुत ज़्यादा कट चुका है। तो अभी हम शाफ्ट को चेंज करेंगे और चेंज करके दिखाएंगे शाफ्ट और बुश दोनों को। तो चलिए इसको हम चेंज कर लेते हैं अभी। तो दोस्तों, ये शाफ्ट को हम चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा पुराना वाला शाफ्ट है और ये बहुत ज़्यादा कट चुका था ये शाफ्ट। अब इसमें हम दूसरा शाफ्ट डालेंगे। तो ये शाफ्ट अब हम इसमें लगाएंगे। तो चलिए शाफ्ट हम लगा लेते हैं इसमें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा शाफ्ट चेंज हो चुका। अब हम बुश चेंज करने वाले हैं। तो ये शाफ्ट हम साइड में रख देते हैं और बुश चेंज करते हैं इसका। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह से हम काट लेते हैं रिपीट। तो इस तरह से हम सारी रिपीट काट लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा बुश जो है तो बहुत गंदे तरीके से खराब हो चुका, इतना इसमें कचड़ा जम चुका है। तो इसको अभी हम साफ कर लेते हैं स्प्रिंग को। और ये बुश भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका। तो चलिए बुश हम चेंज करके इसमें दिखाएंगे और इसको हम फटाफट साफ।
तो दोस्तों ये हमारा बुश लगकर कंप्लीट हो गया है, तो अभी इसको हम सेट करके चला के दिखाएंगे। तो इसको हम फटाफट से सेट कर लेते हैं। इसमें ये जो तार है इसको यहाँ से निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा बैक पैनल लग के कम्प्लीट हो गया। अब इसमें हम रूटर लगा के दिखाएंगे। ये रूटर हमारा बैठ गया है इसमें। अब ये सामने वाला भी पैनल लगा देते हैं इसमें। तो दोस्तों हमारा कूलर जो है तो पूरी तरह से रेडी हो चुका। अभी इसको हम टेस्ट करके दिखाएंगे कि ये कैसे वर्क करता है। तो अभी हम ये तार जो है तो लाइट में लगाते हैं और चला के दिखाएंगे कि कैसे काम करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये कूलर जो है तो बहुत बढ़िया चल रहा है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।